हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिका की रसोई। आज हम बनाएंगे तिल मावा के लड्डू। ये लड्डू खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। मकर संक्रांति में आप इस लड्डू को बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और ये बहुत कम समय में बन जाता है। चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिया है, ये 200 ग्राम मैंने तिल लिया है, सफ़ेद तिल, और 200 ग्राम ही मैंने लिया है ये मावा। ये मावा मैंने मार्केट से लिया है और मावा घर पे भी बनाया जा सकता है। ये मैंने बूरा लिया है 200 ग्राम, और इसमें 4-5 इलायची ले लिया है, 8-10 काजू और 8-10 बादाम ले लिया है। इसको कट करके ले लेंगे। सबसे पहले हम तिल भुनेंगे, इसके बाद मावा। हमने एक पैन गरम कर लिया है। पैन जैसे ही गरम हो जाए तो हम इसमें तिल डाल देंगे और तिल को लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे, और भूनने के बाद ठंडा कर लेंगे। मावा भूनने के लिए हमने पैन गरम कर लिया है और मावा डाल देंगे। मावा मैंने मार्केट से लिया है। मावा को थोड़ा सा क्रम्बल करके डालिए और लो फ्लेम में इसको भूनना है हमें। मावा हमारा भून गया है, अभी हम इसको गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे। और उतारने के बाद हमने इसमें ऐड करना है ये जो तिल हमने पीस के रखा था, भून के पीस के रखा था, वो तिल डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बूरा। इसके जगह आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हो, तगार भी यूज़ कर सकते हो। इलायची पाउडर डाल देंगे और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हमें सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाना है और हाथ से मिलाना है, और थोड़ा गरम गरम में ही इसको लड्डू बनाना है। ठंडा होने से लड्डू अच्छे से नहीं बनेगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट करके रखा था। अभी हम लड्डू बना लेंगे, ये लड्डू बांध लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन उठा के इस तरह से दोनों हाथ से महीन करके हम लड्डू बांध लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार है। और एक बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए। थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से लेके इस तरह से हाथों से गोला करके महीन कर लेंगे। बड़ी आराम से लड्डू बन जाता है और खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी। पास में लेके दिखा रही हूँ, इस तरह से सभी को बना लेंगे। हमारी तीन मावा की लड्डू बन के तैयार है, और इतने में से हमारा 14 लड्डू बन के तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार है। तिल मावा की लड्डू बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, तिल जब पीछे दरदरा पीस लीजिए और मावा को ओवर कुक ना करें। मावा पिघलने तक अच्छे से उसको भून लीजिए और आपका लड्डू बहुत अच्छा बनेगा। इस बार मकर संक्रांति में आप इस तिल मावा के लड्डू को बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा और बनाना बहुत ईजी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ।